आती है ना तो बहुत इश्यू होता है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं हूँ कुपौड़े में, मेरे होम टाउन में, गणपति के लिए। अगर ये सीरीज आप फॉलो कर रहे हो तो आपने पिछले दो एपिसोड्स में देखा रहेगा कि हम लोग मुंबई से कणकवली के लिए निकले थे मम्मी के साथ, और हम लोगों ने अनुस्कुरा घाट पार करके मेरे गाँव में आ गए हम लोग कणकवली, जिसका डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 503 किलोमीटर्स। तो अभी हम लोग एक लोकल साइट सीन करने के लिए निकल रहे हैं, बारिश की आवाज़ आ रही है तो थोड़ा उस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देना, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है क्लाइमेट। और हमें घुमाएंगे एक अपने फैमिली मेंबर ही है, उनका इंट्रोडक्शन दो मिनट में करवा देता हूँ, तो चलो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। तो हर्ष भाई, वेलकम टू द चैनल। हाय। सो हर्ष भाई, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सोनवड़े घाट और नरडवे डैम, राइट? दोनों भी मतलब स्पॉट अनएक्सप्लोर्ड है, राइट? यस ना। चलो निकलते हैं अभी फटाफट। भाई बारिश देखो क्या मस्त हो रही है यार, और गांव के जो लोकल रोड्स है ना, इतने सुंदर लगते हैं ना बारिश में। ये देखो ऑसम, मतलब लिटरली पूरी ग्रीनरी है यार, मतलब हरियाली है, पूरी हरियाली। ऐसा लग रहा है कि मतलब यू नो ग्रीन चादर लगी हुई है नेचर के, मस्त लगता है यार। मतलब कोकण का जो अंदर के जो गाँव है ना, मतलब उसका खूबसूरती तो अलग ही लेवल का है यार। ये देखो पूरा रोड दिख रहा है, और राइट साइड में देखो मंदिर दिख रहा है। अब ये कैमरे में कितना दिख रहा है मुझे पता नहीं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो मंदिर, देखो वहाँ पे मंदिर, देखो यार क्या खूबसूरत लगता है यार, जबरदस्त, ऑसम यार, ऑसम। तो भाई साहब, अपने को अभी राइट मार के ये रास्ता छोड़ना है और एक पतली गली में निकलना है जो कि जाता है नरडवे डैम की तरफ। ये मेरा जो घर है वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 4-5 किलोमीटर ही है। कितना लंबा है हर्ष भाई? 4-5 किलोमीटर रहेगा ना? पाँच किलोमीटर के आसपास है ना। चलो यार, रास्ते थोड़े से पतले हैं, लेकिन भाई जो नज़ारे दिखते हैं ना सामने, जबरदस्त। मतलब ये काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो पे। और अगर चैनल पे आप नए आ रहे हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, जिससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हम लोग को। तो चलो भैया आगे बढ़ते धीरे धीरे। थोड़ा सा हल्का सा ना खराब है, बट गाड़ी लगी नहीं नीचे, होंडा सिटी में ही है हम लोग, गाड़ी बिल्कुल भी नहीं लगी। इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा ना केयरफुल होना पड़ेगा। फर्स्ट गियर में ही जा रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड में ही जा रहा हूँ। गड्ढे हैं, लेकिन ऐसा पैच भी नहीं है कि आपको यहाँ पे एसयूवी चाहिए, ऐसा कुछ मामला नहीं है यहाँ पे। ये देखो वो पहाड़ दिख रहा है अभी गाड़ी में, है ना, एक बार रोक देता हूँ वहाँ पे। ये देखो ये पहाड़ देखो, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखो ये वाला पहाड़ दिख रहा है आपको, ये वाइपर थोड़ा बंद कर। ये देखो ये वाला पहाड़ देखो, उसके आगे भी पूरा फॉग है यार, मतलब दिस इज इनक्रेडिबल यार, इनक्रेडिबल, जबरदस्त। भाई यहाँ पे मैं थंबनेल पिक लेने के लिए रुक गया था, बारिश तेज है तो उसका आवाज आएगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। डैम के हम लोग बहुत नजदीक है भाई, यहाँ पे आके ना कुछ अलग ही फील आ रही है यार, कितना पॉजिटिव वाइब लग रही है। कोई नहीं है यार यहाँ पे, मतलब हम लोगों के सिवा कोई नहीं है यहाँ पे। देखो हम लोग उस रोड से आए थे और अभी अपने को आगे जाना है, गाड़ी लगा के रखी है मैंने यहाँ पे, हर्ष भाई अंदर बैठे। जबरदस्त यार, मतलब ऑसम, सिंपली स्पेक्टैक्युलर यार। भाई वापस हम लोग रुक गए। ये देखो यार आगे पहाड़ों की रेंज देखो यार, मतलब अलग ही लेवल की खूबसूरती है यार यहाँ पे। ये देखो अभी मैं छाता बचा बचा के शूट कर रहा हूँ, ये देखो ग्रीनरी देखो यार, मतलब लिटरली ऑसम। वो जो दिख रहा है ना, वो सामने आपको दिख रहा है, वो डैम है बेसिकली, इट्स नरडवे डैम। ये देखो हर्ष भाई वहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं, क्या सुंदर लग रहा है यार, दिस इज अल्टीमेट यार, अल्टी द मेट, खतरनाक है ये सीनरी, ऑसम। कोकण इज एक्चुअली हेवन यार, ये देखो जबरदस्त।
लगाते हुए जाने कब यार तू हो गया। तो भाई फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं अभी। हर्ष भाई कैसा लगा? जबरदस्त था ना? ऑसम ना? मतलब ये स्पॉट बेसिकली बहुत अनएक्सप्लोर्ड लग रहा है मुझे, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही, मतलब दो तीन इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिख रही है, तो ज़्यादातर किसी को पता नहीं है। नरडेवे डैम बोलते हैं ना इस स्पॉट को। हाँ। चलो अभी आगे जाके देखते हैं और कुछ है क्या एक्सप्लोर करने के लिए। भाई ये देखो, ये डैम वाला स्पॉट है, ये देखो पूरा डैम यहाँ से दिखता है। और ये अभी थोड़ा सा हम लोग ना आगे जा रहे, मतलब इट्स अ डिसेंट रोड, मतलब आपके पास SUV रहेगी तो कोई टेंशन नहीं है। मैं भी फिर भी होंडा सिटी लेके आ गया यहाँ पे, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नज़ारे दिखते हैं ना भाई साहब, उसका लिटरली कोई तोड़ नहीं है यार। जो नज़ारे दिखते हैं ना अल्टीमेट, मतलब पैसा पूरा वसूल है यहाँ पे आके यार। ज़बरदस्त स्पॉट है यार। तो भाई वो जो बाइक वाले भैया है ना, उन्होंने बताया कि यहाँ से रास्ता नहीं है, मतलब ज़्यादा आगे, मतलब है रास्ता लेकिन पूरा कीचड़ वाला रास्ता है। तो बेसिकली उन्होंने रिकमेंड नहीं किया कि ये गाड़ी वहाँ पे लेके जाए। तो अभी अपन यूटर्न मारेंगे और वापस निकलेंगे उसी रोड पे जहाँ से आए थे, और वहाँ से अपन जाएंगे सोनोड़े की तरफ। सोनोड़े घाट सेक्शन, राइट? हाँ। सोनोड़े घाट सेक्शन की तरफ जाएंगे। चलो निकलते यहाँ से। भाई यहाँ पे थोड़ा सा ना एक कांड हो चुका है, गाड़ी अपने को रिवर्स में लेनी पड़ेगी। तिकडे दाबा ना जरा, दादा अजून पुढे पुढे जागा आहे भरपूर तुम्हाला। नाही समोर सरळ पुढे जागा आहे भरपूर, त्या एका पॉइंट मुळे अडकते गाडी, पुढे भरपूर जागा आहे तुम्हाला। इकडे बघा, इकडे जागा आहे इथे। मागे जागा आहे ना, अजून जागा आहे ना मागे। बस काय, ओके। तो भाई ये गाड़ी के लिए अपने को जाना पड़ गया, बट ठीक है, अब ये गाड़ी होपफुली पास हो जाएगी। लेट्स सी, ये देखो ये गाड़ी है और वो गाड़ी है, होपफुली पास हो जाएगी। चलो देखते हैं। अभी थोड़ी सी दिक्कत तो है, मतलब थोड़ा सा ऑफ रोड तो नहीं बोल सकता मैं, बट दिक्कत वाली बात है भैया। बेसिकली वो जो स्पॉट है ना, वो जो रिक्शा दिख रही है आपको, वहाँ पे ना बहुत कंजेस्टेड स्पॉट है। सामने से बेसिकली सामने से अगर गाड़ी आती ना तो दिक्कत आती है। क्या और एक गाड़ी है? गाड़ी आ रही है। कितनी आ रही है? एक ही आ रही है ना? हाँ। ठीक है, चलो बैठ जाओ, देखते एक। तो भाई फाइनली निकल रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं आ रही ऐसे ऑटो वाले भैया ने बोला है, तो देखते हैं फटाफट निकलनी पड़ेगी अपने को। अभी बहुत ही पतली गली है यार, मतलब लिटरली बहुत ही पतली गली है। सामने से अगर गाड़ी आती है ना तो बहुत इश्यू होता है, तो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। वैसे रोड तो ठीक ठाक ही है। अभी ऑटो वाले भैया भी आगे जा चुके हैं, मैं भी फटाफट निकल रहा हूँ, थोड़े से गड्ढे बचा के निकलना पड़ता है, क्योंकि सामने से अगर गाड़ी आती ना भैया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। सामने से गाड़ी आती तो बहुत प्रॉब्लम है। तो भाई हम लोग आ चुके हैं घोड़गे में। अभी घोड़गे से अपने को आगे जाके एक लेफ्ट टर्न लेना है फॉर सोनोड़े घाट सेक्शन। भाई ये रोड जो है ना, ये रोड भी काफ़ी अच्छा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी इतना खास नहीं है, बट आजू बाजू के जो नज़ारे देखो, हरियाली देखो। अब ये मैं काज ज़्यादा नीचे करूँगा नहीं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, कैमरे में पता नहीं चलता, लेकिन भाई कैमरा भीग गया ना तो फिर पूरे प्रॉब्लम हो जाएंगे। आपको कंटेंट क्या दिखाऊंगा फिर कैमरे के बिना, तो ऐसे ही देख लो और खुश हो जाओ। इसके बाद थोड़ा उतर के छाता वेता लेके हम लोग दिखाएंगे, तो वो भी एक शॉट हम लोग अच्छे से लेने की कोशिश करेंगे। बारिश की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है, अच्छे से शॉट ले नहीं सकते, मतलब सिनेमेटिक शॉट्स जो हम कोशिश करते हैं ना वो ले नहीं पाते, तो वही दिक्कत है। तो भाई अभी आ चुके हैं यहाँ पे सोनोड़े घाट सेक्शन में। ये देखो आगे जो दिख रहा है ना ये वाला स्पॉट, वो डेड एंड है बेसिकली। और यहाँ से आगे रास्ता, मतलब ये पहाड़ के पीछे कोल्हापुर है, तो ये रास्ता खोद के, मतलब ये काफ़ी सालों से काम चल रहा है, बट ड्यू टू सम इश्यूज़ काम पूरा नहीं हो पा रहा है। देखो हर्ष भाई आगे जा रहे हैं। अभी वो क्लिफ जो दिख रहा है, वो जो क्लिफ है ना आगे, उस पर अपन जाएंगे और आपको दिखाएंगे नज़ारा। भाई तो हम लोग क्लिफ पे आ चुके हैं, ये देखो नज़ारा देखो यार, वो देखो गाड़ी देखो वहाँ पे पार्क्ड है, अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क्ड है, और हम लोग इस क्लिफ पे बेसिकली आ चुके हैं। देखो ज़बरदस्त यार, ऑसम। नेचर को देख के ना जो फील आता है ना, और जो खुशी मिलती है ना, अलग ही लेवल पे रहती है, अलग ही लेवल पे, खतरनाक यार, जबरदस्त।
लगाते हुए जाने कब यार तू हो गया यार। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। मतलब निकलने का एक्चुअली मन नहीं था लेकिन जाना तो पड़ेगा अभी। बहुत ही ज़बरदस्त स्पॉट है यार, सोनोड़ी घाट सेक्शन बोलते हैं इसको। मस्त, अभी जाएंगे थोड़ा सा चाय वाय मारेंगे, उसके बाद देखते कहाँ जाते हैं, आपको अपडेट कर देंगे। और वीडियो यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, इससे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलो निकलते यहाँ से। तो भाई अभी घोड़गे करके टाउन है, वहाँ पर आ चुके हैं, थोड़ा सा चाय वाय मारेंगे उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से। चलो भाई हो गया, अपन चाय पीने गए थे लेकिन वड़ा पाव भी खा लिया। हर्ष भाई वड़ा पाव कैसा था? मस्त था वड़ा पाव, जबरदस्त ना। हाँ। चलो चलते हैं अभी सीधा घर पे। चलो गाइज इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच हर्ष भाई, थैंक यू। Love is on.